हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। स्वाधीनता पाई कर्तव्य को जीवन करिथिबा संग्रामी को कथा कहिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावरकर को ना भी नहीं थिले। तबे यहाँ परे कांग्रेस अंतरीण अध्यक्षा सोनिया गांधी को संदेश नुआ वितर्क छिड़ा करछि। सोनिया कहिछंती वर्तमान रो सरकार संग्रामी को बलिदान को तुच्छ करिबा कामरे लागी पड़िछि। सोनिया ए लेखा को कड़ा भाषा रे समालोचना करिबा सह बीजेपी पलटवार करी कहिछि मोदी सावरकर को ना नैथिबारु कांग्रेस पाउला होछि। गतकाली बीबीसी का विभाजन स्मृति दिवस पालन परे सावरकर को संग्राम को नै भी मुहामुही होइथिले बीजेपी एवं कांग्रेस। जे कांग्रेस केवल ये गांधी नेहरू परिवार भीतर कहीं घूर बुलू माने जमी केवल गांधी नेहरू परिवार ही स्वाधीनता पाई लड़े करते आउ कही लड़े कर तेणु जो माने अनसंग हीरो अच्छा से अनसंग हीरो कथा कहला बेलू सरदार पटेल को कथा कहला बेलू चिंकी उठुंच सुभाष बोस को कथा कहला बेलू चिंकी उठुंच अंबेदकर कथा कहला बेलू चिंकी उठुंच एवं वीर सावरकर कथा कहला बेलू भी सही पार ना। एबे आसंतु जानिबा किए वीर सावरकर जहां को नारे एते विवाद। ओहो मिस्टर सावरकर दिस फॉर यू इज नथिंग। जो आदमी जहाज से समुंदर में छलांग मार सकता है उसके लिए तो ये एक मामूली तकलीफ है। विनायक दामोदर सावरकर हेउचंती प्रथम व्यक्ति जहांकर 1857 मसीहार क्रांति संपर्कित पुस्तक प्रकाशित हेबा पूर्वरु ब्रिटिश एवं ब्रिटिश अधीन थिबा भारत सरकार यहाँ रो प्रकाशन उपरे प्रतिबंधक लगाई थिले। मिस्टर बैरिस्टर, अगर ये सब सच भी है तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? सावरकर विश्व राजनीतिक इतिहास रो प्रथम राजनीतिक नेता थिले जहां को दुई जन्म अर्थात 50 वर्ष रो कारादंड रो आदेश होइतिला। जेतेबेले इंग्रेज विचारपति न्यायालय रे तांको विरुद्ध रे ई राय सुनाइथिले सेतेबेले सावरकर कहिथिले दुई जीवन कारादंडादेश इंग्रेज सरकार हिंदू मानंकर पुनर्जन्मर सिद्धांत को स्वीकार करी। वीर सावरकर हेउचंती भारतीय स्वाधीनता आंदोलन प्रथम राजनीतिक नेता जिए सर्वप्रथमे विदेशी वस्त्र को चलाइथिले। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अतीतरे सावरकर को भूरी भूरी प्रशंसा मध्य करथिले। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। देशभक्तिर प्रचंड अग्नि कारणरु भारतीय विश्वविद्यालय कौन सी उपाधि वंचित कर प्रथम ग्राजुएट होते वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर प्रथम बारिस्टर थिले जहां को राजनैतिक कारण बारिस्टर रो उपाधि देवा पाई मना कर दिया जाइला। सावरकर प्रथम राजनैतिक व्यक्ति थिले जहां को मोकदमा हेग ठारे थिबा आंतर्जातिक न्यायालय रे चला जाइला कारण से ब्रिटिश न्यायालय को मान्यता प्रदान करने को अस्वीकार कर दे। लंडन रे रहुथिबा समय रे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे षड्यंत्र करबा अभियोग रे तांकु 1910 मसिया मार्च मास 13 तारीख दिन गिरफ्त कर दैतिला। तांकु समुद्र जहाज जरिया रे भारत न जाउतिला। सावरकर समुद्र मध्य रे पानी जहाज रु डिया मारि दिथिले। तापर समुद्र पहरी पहरी समुद्र पार करी सार्सेल्स रो उपकूल रे पहुचिथिले तबे पूर्णी तांकु गिरफ्त कर दैतिला। सावरकर कर संग्राम गाथा को 1980 मसिया रे प्रधानमंत्री थिबा इंदिरा गांधी भी प्रशंसा करथिले। ए हेउचे सेई चिट्ठी जेउथिरे सावरकर को जन्म शतवार्षिकी को पालन पाई पंडित बाखेल को लेखिथिले इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने भर्ती पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि
सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्ची पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत है। सावरकर ब्रिटिश शासन को क्षमा भिक्षा मांगी थी कही तांकु न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी बदनाम करने को चेष्टा कर मात्र पुराणा ब्रिटिश फाइल रो फैक्ट कहूँ सावरकर षड्यंत्र कर खसी पलि पिटीशन करते। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।